Vande Hari 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 Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Namaha Om Vishnu Padaya. Krishna Prishthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta. Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Prajarine. Nirvisheshay Shunyavadi. Paschata Deshatarine. Gurave Gaurachandraya. Radhika Tadalyaye. Krishnaya Krishna Bhaktaya. Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopakumaraya. Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya. Prabho Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Antarashtra Krishna Bhavana Amrit Sangh Sansthapika Acharya Shri Krishna Kripa Murti Abhayachanar Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Apar Kripa Se Shri Shri Radha Madan Mohan Ke Iskan Ujjain Mandir Ke द्वारा वार्षिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव के अंतर्गत यहां शास्त्री नगर के उद्यान में यहां के नागरिकों के सहयोग के साथ सात दिवसीय भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रवाहित अमृत भगवत वाणी का भगवत गीता का सुबह और शाम के सत्संग में आज छठे दिन के सायंकाल में आपका स्वागत है। कल शाम को तो हमने भगवान के मुख से नवा अध्याय भगवत गीता का राज विद्या राज गुह्य योग इसके पहले तीन श्लोकों में भगवान की अनन्य भक्ति भगवान की कृपा से ईर्ष्या रहित होकर श्रवण करने से और श्रद्धा से प्राप्त होती है ये श्रवण किया था। और सुबह के आज सत्र में चौथे श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपना अचिंत्य जगत के साथ जो संबंध है उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये सारा जगत मुझ में टिका हुआ है।
लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूं। कैसे? जैसे सारी दुनिया सूर्य के प्रकाश में रह रही है, पर लेकिन सूर्य दुनिया के अंदर नहीं है, अपने लोक में है। प्रकाश में हम सब जी रहे हैं लेकिन सूर्य यहाँ नहीं है। ऐसे भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान की शक्तियों के अंतर्गत ये सारे जगत का संचालन चला रहा है, लेकिन भगवान उससे अलग भी, जैसे प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं लेकिन पूरे देश के अंदर उनका सत्ता चल रही है, ऐसे भगवान कहते हैं मेरी सत्ता तो सारे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जगह पे स्थित हूँ। और ये ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सब जागते हैं, तो जाते कहाँ हैं, सोते कहाँ जाके हैं? तो भगवान कहते हैं वो सब मुझ में समा जाते हैं, वो मैं वहाँ भगवान अपने आप को गर्भदक्षायी विष्णु के रूप में सब भगवान के उदर में चले जाते हैं, फिर भगवान ही उनको प्रकट करते हैं। और ये प्रक्रिया चलते हुए भी भगवान का इस सृष्टि के सर्जन में, इस सृष्टि की प्रलय में कुछ लेना देना नहीं है। भगवान इससे उदासीन वदासीनम असक्तम, न तो इसमें आसक्त है और इनसे ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल निरपेक्ष होके बैठे हुए हैं। तो क्या ये स्वतंत्र काम कर रही है? नहीं, मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जगत सारा, ये प्रकृति जन्म देती है चर और अचर को, ये मेरी अध्यक्षता में दे रही है, मेरी नज़र के नीचे दे रही है, मेरी आज्ञा के अनुसार कर रही है, लेकिन मैं इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। और इसके बाद 11वें श्लोक से 14वें श्लोक तक, ये बहुत गंभीर विषय है असल में, क्योंकि भगवान का संबंध ऐसा अचिंत्य इस जगत के साथ है। तो कुछ लोग हैं जो भगवान को और भगवान के संबंध को जानते हैं, कुछ हैं जो नहीं जानते हैं, और कुछ हैं जो अवज्ञा करते हैं। जानाति अजानाति अवज्ञानाति, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, और कुछ अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं क्या मतलब? क्या अवज्ञा करते हैं? तो कहते भगवान ये सृष्टि करता है ये तो ठीक है, लेकिन भगया भगवान वृंदावन के अंदर गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है? वो तो एक मानव जैसा है। तो ये श्लोक, दो श्लोकों में इसकी चर्चा हुई है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तरुम आश्रितम, अवजानंती, मेरी अवज्ञा करते हैं। कौन है ये मूढ़ा मूर्ख? क्या कहते हैं? मानुषम तनुम आश्रितम, मैंने मानव के शरीर का आश्रय लिया। इसका मतलब कि कृष्ण के शरीर और कृष्ण में कोई अंतर है, जबकि भगवान पूरे का पूरा सच्चिदानंद है, उसके आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। शरीर का जन्म होती है, शरीर का मृत्यु होता है, भगवान का जन्म है। लेकिन वो आरोप करते हैं कि भगवान का भौतिक शरीर का आश्रय लिया है। वो क्या नहीं जानते हैं? मम भूत महेश्वरम, मैं सबका स्वामी हूं, मेरे परम भाव को नहीं जानते। अवजानन्ति न जानाती, नहीं जानते हैं किसको? मेरे परम भाव को। मेरा परम भाव क्या है? कि मैं इन सब का स्वामी हूं, मैं इन जैसा नहीं हूं। तो ऐसे लोग जो अवज्ञा करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? मोघाशा मोघ कर्माणु,
मोघ ज्ञान विचित्त स राक्षसीमासुरीम चैव योनिम मोहिनी आश्रिता प्रकृति मोहिन। उनकी कर्म के फल की वासना भी विफल हो जाती है, उनके ज्ञान का प्रयास भी विफल हो जाता है। मोग का मतलब विफल होना, कर्म भी विफल ज्ञान भी विफल, जाएंगे क्या? राक्षसीम आशुरीम चैव, वो तो राक्षस और नास्तिक मोहिनी प्रकृति ये जो मोह में डाल देती है उसमें ऐसे उसका शरण ले लेते हैं कि वो तो राक्षसी योनि में चले जाते हैं, नास्तिक योनि में चले जाते हैं। ये कौन है जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, निंदा करते हैं, भगवान की भगवता को नहीं जानते हैं? और दो श्लोकों में अनन्य भक्त जो भगवान को जानते हैं उनका वर्णन कर दिया। महात्मा नस्तुमाम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिता, देवी प्रकृति का आश्रय लेते, मोहिनी प्रकृति का नहीं, वो तो असुर हैं, ये देवी प्रकृति। देवी प्रकृति का मतलब भगवान की हलादिनी शक्ति, अंतरंग शक्ति राधा रानी, ये तो राधा रानी का शरण लेते हैं, ये महात्मा है। महात्मानस्तुमाम पार्थ देवीम प्रकृतिमा भजते अनन्य मनसो, वो मन कहीं भटकने नहीं देता है, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, वो मेरी अवज्ञा नहीं करते, मेरी सेवा करते। भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा, जानते हैं, क्या जानते हैं वो, ये जानने वाले हैं वो, अब जानती और ये जानाती, वो क्या जानते हैं? भूतादिम अव्ययम, इन भूतों को, इन प्राणियों का, इन जीवधारियों का मैं आद हूँ, वो मुझसे निकले है, भूत आदि मैं इन सब का आदि हूँ, मैं इन सब का उत्पन्न उत्पत्ति का स्थान हूँ, इनका उद्गम स्थान हूँ, मैं आदि हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। वो मेरे अविनाशी भाव को जानते हैं, भूतें को आदि को जानते हैं, इसलिए एक मन से एकाग्रचित से मेरी सेवा में लगते हैं। कैसे पहचाने जाएं ऐसे महात्मा? तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तन यंतो माम, सदा कीर्तन करते हैं, सदा कीर्तन्य सदा हरि, सदा मेरी कीर्तन कीर्ति गाते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, कभी नाम का कीर्तन करते हैं, कभी गुण का कीर्तन करते हैं, कभी लीला का कीर्तन करते हैं, लेकिन निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। दृढ़व्रताः सततम कीर्तनयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, बड़े यतन करते हैं, बड़े सावधान रहते हैं, भौतिक जगत में पग पग के ऊपर फिसलन है और ये जगत सागर है जिसमें छोलियां कभी ऊपर ले जाके कभी नीचे पटक देती है, इसलिए बड़े सावधान हैं, कभी भी इस जगत में कहीं भी पांव फिसल सकता है, कहीं भी भगवान को भूलने की कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसलिए यतनशील होते हैं और दृढ़ व्रत धारण कर लेते हैं। दृढ़ व्रत ये धारण कर लेते हैं कि हम निरंतर इतना समय भगवान का स्मरण करेंगे, इतना समय कथा सुनेंगे, इतना समय शास्त्र पढ़ेंगे और ऐसा सेवा करेंगे। एक जीवन में कुछ दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, ऐसे भक्त प्रेम पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करते हैं। नमस्कार का मतलब नमे अस्ति, मेरा कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं, आपके शरण में पड़े हैं, आपकी सेवा करेंगे। नमस्यन्तश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रतिदिन नेम से मेरी सेवा में लग के मेरे पास बैठ के मेरी उपासना करते हैं, का मतलब मेरे पास में आसन लगा के बैठते हैं, मेरी सेवा करते हैं, लोगों को मेरी सेवा में लगाते हैं, मेरे ही चिंतन में रहते हैं। तो दो तो हो गए मायावादी जी, जो भगवान के अवतार काल के शरीर की अवज्ञा करते हैं अनजाने के कारण, मूर्खता के कारण, दूसरे हो गए भगवान के शुद्ध भक्त
जो निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं। अब 15वें श्लोक में, या हमने सुबह विश्राम दिया था कथा को, 15वें श्लोक में तीसरा एक पक्ष है जो भगवान को पूरा जानता भी नहीं है लेकिन अवज्ञा भी नहीं करता है। करता तो भगवान की ही पूजा है लेकिन भगवान कौन है ये उनको स्पष्ट समझ में नहीं आता। और बहुत से ऐसे अपन यहाँ जितने बैठे हैं, अगर ये प्रश्न सबसे पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है। लोग कुछ मन में मान्यताएं बनाई हुई है कि यही भगवान है, कुछ हमारे भारतवर्ष में कम से कम ऐसा है कि कुछ पारिवारिक माहौल में किसी एक देवता की देवी की पूजा घरों में हो रही है तो उसी को सर्वस्व मानते हुए आ रहे हैं। तो लोगों की धारणा भगवान के विषय में, जिसको कहा जाए एक मत नहीं है, बहुमत है, बहुमत भगवान की धारणा है। और इसलिए जैसे ईसाई एक भगवान की पूजा करते हैं, भगवान एक है, जैसे मुसलमान कहते हैं भगवान एक है, वो उन्होंने कहते हैं मोनोवादी, मोनोवादी का मतलब एक भगवान के, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम बहुत भगवानों की पूजा करते हैं, पॉलीथिज्म, लेकिन हम बहुत भगवानों की पूजा नहीं करते, भगवान हमारे पास भी एक है और दूसरे भगवान नहीं है। भगवान को गाड कहते हैं और दूसरों को डेमी गाड कहते हैं, भगवान को भगवान कहते हैं दूसरों को देवता कहते हैं, और देवता और भगवान एक नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसा, लोगों को ऐसा विचार करने पर मजबूर कर दिया है, वो समझते हैं कि हम बहुत से भगवानों की पूजा करते हैं। ये सत्य नहीं है, हम एक भगवान की पूजा करते हैं लेकिन उसका स्तर अलग अलग है। स्तर अलग अलग मतलब कोई पहली कक्षा है कि है, दूसरी है, तीसरी है, करते उसी एक भगवान की है लेकिन सही माना में जानने वाले कम है, भगवान तो एक से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो 15वें श्लोक में तीन प्रकार के भगवान के उपासकों का वर्णन है जो भगवान को सही माना में नहीं जानते हैं लेकिन भगवान का उसको नकारते भी नहीं है, उसको नहीं है भगवान ऐसे भी नहीं कहते हैं। तो इनका वर्णन आप इस श्लोक का पाठ करके आगे चलते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ ने, दूसरा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, अभी जो दो गए वो थे भक्ति के द्वारा, नमस्ते माम भक्त्या, वो भक्ति के द्वारा, वो अनन्य मनसा भजन्ते माम और ये यजन्ते माम, वो भजन करते हैं भक्त और ये यजन करते हैं। यजन कहते हैं पूजा को और भजन कहते हैं सेवा को। सेवा हमारा स्वभाव है और पूजा हमारा कर्तव्य है। पूजा कर्तव्य ये कि भाई संध्या का आरती होती है, जाते हैं दीप जला के आते हैं, ये हुई पूजा। और सेवा का मतलब है कि जो भी कार्य घर में करें वो भगवान का समझ के करें। तो ये यजन कहते हैं पूजा को और भजन कहते हैं सेवा को, दोनों अलग शब्द हैं। तो ये ज्ञान से मेरा यजन करते हैं ये दूसरे हैं, ये न तो अवज्ञा वाले हैं और न शुद्ध भक्त हैं, ये तीसरे हैं। कैसा आपका भजन करते हैं, उपासना करते हैं, वो भी मेरी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं, एकत्वेना, एकत्वेना का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान नहीं जानते, वो ब्रह्म तक जानते हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये भौतिक जगत की जड़ वस्तु नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं।
और प्रायः भारतवर्ष में ऐसे एकत्वेन या अहम ब्रह्म उपासना वाले बहुत ज्यादा हैं। भारतवर्ष में अहम ब्रह्मास्मि एकत्वेन मैं ही ब्रह्म सच्चिदानंद हूं, वो ऐसे चिंतन करते रहते हैं, मैं जगत नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं विषयों में भोगने वाला नहीं, मैं सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध पवित्र ब्रह्म हूँ, अपने आप का ही उपासना करने वाले ये ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन से है? पृथक्त्वेन बहुधा। पृथक का मतलब अलग, बहुधा मतलब बहुत, बहुत सारे देवताओं को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं बहुत सारे लोग। ये भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी देवता की पूजा करते हैं और कहते हैं ये देवता की पूजा भगवान की पूजा है, क्योंकि देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। ये असल में बहुत से देवताओं की पूजा होती, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं लोग। बोला तीसरे कौन है? विश्वतो मुख, भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है ये तो सारा भगवान के अलावा और किसी का नहीं है। ये भगवान पूरा विराट रूप है भगवान का, ये विश्व भगवान का विराट रूप है और इसकी पूजा करते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो भगवान को सही जान नहीं पाते भगवान क्या है, लेकिन करते भगवान की पूजा है। तो इन श्लोक के आधार के ऊपर एकत्वेन वाले ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं और ब्रह्म में लीन होते हैं और यही उनके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आप सुनेंगे बहुत से महात्मा ब्रह्मलीन स्वामी, ये सामान्य एक परिवाची शब्द है। और दूसरे देवताओं के उपासक कहाँ जाएंगे? बोला स्वर्ग, वो स्वर्गवासी होते हैं। उनको कहेंगे कहाँ गए स्वर्गवासी? चिट्ठी लिखते हैं जब कहीं किसी का देहांत होता है तो चिट्ठी लिखते हैं कि बड़ा दुख का समाचार है कि दादाजी स्वर्गवास हो गए। अरे भाई दुख का क्या समाचार है, स्वर्ग गया तो खुश होना चाहिए ना, क्या दादाजी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं थे क्या? हाँ, ये दुख की बात क्यों है भाई, स्वर्ग में गया को नरक थोड़ी गया है, तो खुश होना चाहिए ना। तो ये जो पृथक तो है ना बहुधा, जो ये देवता की पूजा करने वाले हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा पहुंच है स्वर्ग तक। और विश्वतो मुखम, जो विश्व रूप की उपासना करते हैं उनको भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में कहा गया है कि भगवत साक्षात्कार का पहला पड़ाव, उसको कहा गया है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार का पहला स्तर। दूसरा स्तर है परमात्मा हृदय में है और तीसरा स्तर है भगवान स्वयं। तो वो कम से कम भगवान की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्मलीन, बहुधा देवता पूजा वाला स्वर्ग, और विश्व उपासना वाला भगवत साक्षात्कार का आरंभिक प्रारंभिक कक्षा में चालू हुआ। अब आगे के श्लोक में 16, 17, 18, 19 तक भगवान कैसे विश्वरूप, सब कुछ भगवान कैसे है, हर एक चीज भगवान कैसे है, उसका थोड़ा सा संकेत करते हैं, लेकिन पूरे विश्वरूप का दर्शन 11वें अध्याय में है। तो 11वें अध्याय में विश्वरूप का पूरा दर्शन है। और ब्रह्म वाला प्रश्न
अर्जुन 12वें अध्याय में करेगा। अर्जुन वहाँ पूछेगा श्री भगवान से, अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वम परियुपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्मह। भगवान एक तो आप श्री कृष्ण की जैसे मैं भक्त और सखा के भाव से शरण लेके आपकी सेवा कर रहा हूँ, और दूसरे जो आपके अक्षर ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं उन दोनों में आप योगवित्मह किसको मानते हो? मतलब योगवित्त, योगवितर, योगवित्मह, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हो? तो वहाँ भगवान एक श्लोक में तो कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो युक्तत्म है, वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर 3, 4, और 5 श्लोक में ब्रह्म उपासना वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन उस रास्ते में कलेशो अधिकतर तेषाम मय आसक्त चेतसाम, उनको थोड़ा कलेश ज़्यादा होता है क्योंकि आसक्त में उपासना नहीं हो सकती है। जिसका रूप नहीं है, अव्यक्त है, उसमें कैसे आसक्ति हो? आसक्ति का मतलब है किसी में प्रेम हो जाना, और प्रेम अव्यक्त में प्रेम कैसे होगा? जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वो ऐसे खाली रोशनी से प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम तो आदान प्रदान होगा तब होगा ना, तो उसमें थोड़ा कलेश ज़्यादा है। तो और उसके बाद भगवान अपने भक्ति का महानता का वर्णन करेंगे। ये 12 अध्याय अहम एकत्वेन वाला 12वें अध्याय में क्वेश्चन आएगा, और पृथकत्वेन वाला इस 9वें अध्याय में देवताओं के पूजा का भी वर्णन किया गया है। तो भगवान कैसे विश्व रूप हैं, प्रायः ये किसी ने कभी पढ़ा नहीं होगा, इसलिए इसको सुनना चाहिए। तो ये श्लोक पढ़िए। अहम कर्तुर अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम ऐवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। आप में से जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, 4थे अध्याय भगवद गीता में एक श्लोक आता है, उसमें शब्द सब ऐसे ही हैं लेकिन उसमें अहम की जगह ब्रह्म है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मणे न ते न गंतव्यम ब्रह्म कमा कर्म समाधीना। वहाँ भगवान ने हर एक चीज़ को ब्रह्म कहा है, और यहाँ हर एक चीज़ को अहम कहा है। इसका मतलब गीता में वही बातें आस्ते आस्ते भगवान के ऊपर केंद्रित होती जाती है। पहले ब्रह्म कहा उसको, और अब कहते हैं मैं हूँ, अब अहम कहा। तो आस्ते आस्ते भगवद गीता जैसे आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपना जो भगवत है वो प्रकट करते हुए जाते हैं। अब कहते हैं अहम कर्तु, कर्तु वेदों के यज्ञ को कहते हैं, वेद में यज्ञ करने को कर्तु कहते हैं, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे उसको कहते हैं सत्कर्तु, और इंद्र का नाम है सत्कर्तु, इंद्र का एक नाम है सत्कर्तु, और सत्कर्तु का छोटा शब्द होता है सकर, सत्कर्तु सकर, इंद्र का नाम है सकर या सत्कर्तु। तो वेद वाले यज्ञ, वेद की विधि से यज्ञ करने को कर्तु कहते हैं, और अहम यज्ञः और पुराणक प्रकार से यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। तो दोनों यज्ञ हैं, एक वेद की विधि से एक पुराण की विधि से। स्वधा अहम, जो डालने के लिए चीज यज्ञ में आहुति है, स्वधा अहम अहम औषधम, जो औषधियाँ हैं वो सब भी मैं हूँ। कहाँ से लाए? ब्रह्मा जी ने पहले यज्ञ किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुआ तो यज्ञ करने के लिए कुछ भी नहीं था, भगवान से ही सब चीज़ें ली और भगवान को अर्पण की, तो कुछ था ही नहीं, तो भगवान से ही सब कुछ लिया। तो जो कुछ है यज्ञ की सामग्री वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। मंत्रो अहम, मंत्र भी मैं हूँ। अहम एवाज्यम, एवाज्यम कहते हैं घी को, जो घी है वो भी मैं हूँ। अहम अग्निर, और उस यज्ञ को अग्नि के रूप में भोग भी मैं करता हूँ। अहम उत्तम, और जो उसमें होता बैठा होता है स्वाहा कराता है उसमें भी मैं बैठा हूँ। ये भगवान का विश्व रूप है, ये विश्व रूप है कि यज्ञ पूरे के पूरे अंदर सब चीज़ें मेरा ही
वो सारा मैं हूँ। ये विश्व रूप उपासना है, कोई चीज़ मुझसे अलग नहीं है। और ये कह के आगे के श्लोक में कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता मह वैद्यम पवित्रम ओमकारा ऋकसाम यजुर एवच। अब भगवान कहते हैं इस जगत का पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ, धाता मैं हूँ। धाता मतलब पालन पोषण करने वाला। पिता मह भी मैं हूँ, वेदों में पवित्र ओमकार में हूँ, तीनों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ आप कोई शास्त्र से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो शास्त्र भी मैं ही हूँ। मैं कैसे हूँ? पर मैंने दिया है, जो चीज़ मेरी है वो मैं ही हूँ। ये 15वें अध्याय में कहेंगे वेद दिया मैंने है, वेद को जानता मैं हूं और वेद से मुझे ही जानना है। पिता मैं हूं। कैसे पिता हो? बोला सबका बीज तो मैं देता हूं, बीज प्रदा पिता हूं, मैं अविनाशी बीज हूं इस जगत का। पितामह कैसे हो? बोला ब्रह्मा जी ने अगर आपको पैदा किया तो ब्रह्मा जी मेरा बेटा है, तो मैं आपका पितामह हो गया। बोलो माता कैसे हैं? बोला ये प्रकृति जिससे आपने जन्म लिया है, इसमें गर्भ मैं धारण कर रहा हूं, इसलिए ये आपकी माता है, ये भी मैं हूं, ये भी मेरी है। और इसका एक भाव ये है कि संसार में हमारे को माता मिला, पिता मिला, दादा मिला, और हमारे को जो संसार में आवश्यक सुविधा ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, मानना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से हमारा सारा काम हो रहा है। ऐसे देखना हमको आना चाहिए कि मेरा पिता मेरा पालन पोषण कर रहा है, लेकिन इस मेरे पिता को मेरे पालन पोषण करने के लिए सारी जिम्मेवारी भगवान ने दी है, क्योंकि असली पिता तो वो है। तो जो इस दुनिया में हमको कहीं से कुछ मिल रहा है, उसके पीछे हमारी नजर भगवान के ऊपर जानी चाहिए कि उसने किया है। प्रभुपाद जी जब यहां से अमेरिका जा रहे थे तो पानी के जहाज में लिखते हैं अपनी डायरी में कि प्रायः जहाज में काम करने वाले सब शाकाहारी नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके इस जहाज की मालिक श्री मुरार जी सुमति मुरार जी को प्रेरणा दी कि बहुत सारी सब्जियां जहाज में हैं, तो मैं भगवान को भोग लगा के सब्जी का प्रसाद खा सकता हूं। अब ये लिखने में भगवान का धन्यवाद कि जहाज के मालिक को उसने प्रेरणा दी कि हमारे सारे भोजन की व्यवस्था शाकाहारी की। तो ये है कि कहीं भी कोई भाग्य से चीज प्राप्त हो तो पहले धन्यवाद भगवान का करना चाहिए कि ये उन्होंने व्यवस्था की है, ये उसकी कृपा से संभव हो रहा है। देने वाला किसी के माध्यम से, लेकिन है अंत तो गत्वा उसकी चीज है, ये भाव इस श्लोक में आ रहा है। और आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। सबकी गति में हूं, मेरे पास आएंगे और कहां जाएंगे। सबकी गति मैं हूँ, सबका भरता पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, सूर्य से प्रकाश देता हूँ, पृथ्वी से अन्न उत्पादन करके देता हूँ, समुद्र से
बादलों में पानी मीठा करके बरसा के देता हूँ, जो आवश्यकता है जगत की उसका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, प्रभु स्वामी भी मैं हूँ जगत का, साक्षी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में साक्षी बन के बैठा हूँ, निवास है, निवास कहते हैं घर को, भाई आपका निवास कहाँ है, तो सबके लिए निवास मैं हूँ, और शरण, और सब सब किसका शरण लेंगे, जब कोई रास्ता नहीं है तो सब मेरे शरण में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, सुहृद हूँ, प्रभव मतलब सृष्टि भी मैं करता हूँ, प्रलय समय आने के ऊपर संहार भी मैं करता हूँ, स्थानम और जब है तब उसका पालन भी मैं करता हूँ, बीजम अव्ययम निधानम, निधान मतलब प्रलय करके समाप्त करना, बीजम निधान सबका आश्रय भी मैं हूँ, और आप क्या हैं भाई, बीज अव्यय अविनाशी बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ का मतलब ये है कि जैसे पहले बताया था बीज से पेड़ निकलता है, बीज समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं समाप्त होने वाला बीज नहीं हूँ, मैं सबका आदि बीज हूँ, सब मुझसे निकले हैं तब भी मैं वैसे का वैसे हूँ, ये सब मुझ में वापस समा जाएंगे, फिर मैं इनको प्रकट करूँगा, फिर भी मैं वैसे ही रहूँगा, मैं अपने आप को जगत के रूप में प्रकट करता हूँ और फिर वापस समेट लेता हूँ, मैं ऐसे का ऐसे रहता हूँ, तो एक दृष्टि से ये भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। और आगे एक और श्लोक में कहते हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रणामि उत्सर्जामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्याहम अर्जुन। हे अर्जुन, ये गर्मी में, गर्मी की मौसम में सूर्य के द्वारा तपन भी करता हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, और फिर वर्षा की ऋतु में ठंडा करने के लिए बरसता भी मैं हूँ, तो वर्षा, और फिर कहते हैं इस वर्षा को वर्षामि निग्रहामि, मेरी इच्छा है वर्षा करूं, मेरी इच्छा है वर्षा नहीं करूं, तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए, कि कभी कभी भगवान नाराज होते हैं वर्षा नहीं करते हैं, नहीं, भगवान ये सारे कार्य निरपेक्ष सबके लिए एक जैसा करते हैं। अब एक बहुत बड़ा आश्चर्य ये है कि अभी तो सब अच्छी बातें कही, मैं पालन पोषण भी करता हूं, मैं पिता भी हूं, मैं माता भी हूं, लेकिन अब कहते हैं कि मैं मृत्यु भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। अगर आप मेरी गीता के उपदेश को मैं अवतार लेके देता हूं और जिसके रास्ते चलोगे तो अमृत को प्राप्त करोगे, ये भी मैंने दिया, और अगर ये आप नहीं करोगे तो मृत्यु भी मेरा ही रूप है, ये 11वें अध्याय में कहेंगे, मृत्यु सर्वस्याहम, मैं काल हूं, कालो अस्मि, मैं काल हूं, तो मृत्यु भी मैं ही हूं, और सब कुछ मृत्यु सबसे ज्यादा विश्व का विजेता है, बड़े से बड़े दुनिया के विजेता को मृत्यु ने लात मारी तो उसका सब काम समाप्त एक क्षण में हो गया, दुनिया का कोई भी कितना शक्तिशाली हो लेकिन अंत तो गत्वा विजयी मृत्यु होता है, इस धरती, ये मृत्यु संसार है, इसके ऊपर मृत्यु की विजय बड़े बड़े राजा महाराजों के ऊपर होती है, वो भी सब कुछ यहाँ त्याग के चले जाते हैं, तो वो मृत्यु भी मैं हूँ, और सद असद का मतलब है भौतिक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए मैटर और स्पिरिट, असत का मतलब होता है मैटर, जो 7वें अध्याय में कहा भूमि आपो अनलो वायु मन बुद्धि खमो, ये भी मैं हूँ, और सत का मतलब है आत्मा चेतन, वो भी मैं हूँ, तो दोनों मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ चेतन भी मैं हूँ,
ये भी मुझसे अलावा और कुछ नहीं है, ये भगवान के विश्व रूप का वर्णन है कि सब कुछ भगवान है। अब ऐसे जब आदमी पढ़ेगा कि व्यक्ति कहेगा ये सब कुछ भगवान है, तो फिर इस भगवान कहाँ है पता करना चाहिए, तब पता लगेगा भगवान तो हमारी दिल में बैठे हुए हैं, कहीं और नहीं है। तो आदमी अपने दिल में भगवान को देखना चाहता है, फिर मेरी दिल में भी बैठे हैं, आपकी दिल में भी बैठे हैं, सबकी दिल में बैठे हैं। वो सबकी दिल में बैठे हैं तो कहीं ऐसा जगह है जहाँ और मिल सकते हैं, तब परमात्मा से आगे भगवान की ओर हमारा मन जाएगा, तब हम भगवान को जान पाएंगे। तो ये पहला स्तर है भगवान को जानने का। अब के श्लोक जो आते हैं इसमें आ गया पृथक्त्वेन बहुधा, ये हुआ विश्व रूप का वर्णन। ये लोग मेरी पूजा करते हैं ज्ञान से, लेकिन मेरे को विश्व रूप जान के पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सबको अपना मानते हैं, मृत्यु है तो भी मुझे मानते हैं, ये हुआ विश्व। अब कहते हैं देवताओं की पूजा का वर्णन है, आइए श्लोक। और वे देवता की पूजा करते वो भी मेरी करते, सुन लो। त्रय विद्या माम सोम पहा पापू तपापा यज्ञैर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम् अश्नान्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रयी विद्या, तीन प्रकार की विद्या कौन सी बोला? ऋक्साम याज यजुर, तीनों वेदों के अंतर्गत। माम, कृष्ण कहता है मेरी पूजा करते, करते पूजा मेरी है लेकिन जानते नहीं है। त्रयी विद्या माम सोम पास सोम रस पीते हैं। ये सोम रस कैसा है? जब भगवान के लिए यज्ञ करते हैं वैदिक विधि से, तो एक अमृत बनाते हैं उसको सोम रस कहते हैं। वो पीने से क्या होता है? पूत पापा, पाप नाश हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं वेदों का, वो सब एक कलश में इकट्ठा होता है और उसको अमृत बना के पीते हैं, उसको सोम रस कहते हैं। एक सोम रस स्वर्ग में होता है, वो तो वहाँ जाके हो, लेकिन यहाँ पूजा के समय अमृत तैयार करते हैं उसको सोम कहते हैं, उस पीने से पाप नाश हो जाते हैं। तो तीनों वेदों के रास्ते से सोम का रस पीकर पाप से पवित्र होकर यज्ञैर इष्ट्वा यज्ञ करते हैं। इष्ट्वा चाहना करते हैं किस चीज की? स्वर्ग गतिम, स्वर्ग जाने की। पूजा मेरी करते हैं और इच्छा क्या करते हैं? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने की इच्छा करते प्रार्थना, प्रार्थना करते हैं भगवान हमको स्वर्ग में भेज दो। बोला क्यों? बोला यहां बहुत बड़ा दुख है, हमने सुना है स्वर्ग में बहुत सुख है, हमको स्वर्ग में भेज दो। ते पुण्य आसाद्य सुरेंद्र लोकम, उनके पुण्य के कारण वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। वहां क्या करते हैं? अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, वहां स्वर्ग के दिव्य भोग करते हैं। पूजा मेरी करते हैं लेकिन कहते हैं हमें स्वर्ग में भेज दो, तो स्वर्ग में चले जाते हैं। अच्छा, स्वर्ग में जाते हैं फिर क्या सदा उधर रहते हैं? तब कहते हैं नहीं। तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशांति एवं त्रैधर्मम आपनोपना गता 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 गताम काम कामालभंती। अब स्वर्ग में जाने वालों का समाचार देते हुए भगवान कहते हैं ते तंग भुक्त्वा, वहां जाके भोग करते हैं स्वर्ग का, बहुत आनंद लेते हैं। स्वर्ग लोक विशाल, बहुत बड़ा विशाल स्वर्ग लोक है जहां सब सुविधाएं इस दुनिया के से लाखों गुना ज्यादा है।
न बुढ़ापा है, न बीमारी है वहाँ, और वहाँ अमृत पीने को है, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ सुख ही सुख हैं। लेकिन होता क्षीण पुण्य है, वो जो यज्ञ का पुण्य था जैसे वो पूरा हो गया, जैसे आदमी 5 लाख रुपया लेके यहाँ से घूमने जाए स्विट्जरलैंड और 5 लाख पूरे हो गए तो वापस बुद्धू घर लौट आए, ऐसे जहाँ वहाँ पुण्य पूरे हो गए मृत्युलोकम विशंति, वापस मृत्युलोक में आते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम, वो जो तीन त्रयी धर्मम का अर्थ क्या होगा, एक त्रयी धर्म का अर्थ होगा धर्म अर्थ काम। मोक्ष का तो सोचा नहीं, धर्म का पालन किया, अर्थ ये कि स्वर्ग मिले और कामना वहां भोग की, तो धर्म अर्थ काम तीनों की इच्छा की, और अथवा तीन वेदों के अंतर्गत कर्म कांड का कार्य किया। लेकिन किया क्या, क्या मेरे को मैं पूजा मेरी की, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान हमको स्वर्ग में भेज दो, तो उनको मिला क्या, अनुपर्पणा गतागतम, गतागतम का मतलब जन्म मृत्यु, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। काम कामी, ये काम कामी शब्द का अर्थ है कामना करने वाले पुरुष, जो कामना ही करते हैं, तो स्वर्ग की कामना की, पूजा की, स्वर्ग में गए, फिर यहाँ आए, फिर यज्ञ किया, फिर स्वर्ग में गए, फिर वापस आए, फिर ऊपर गए, ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। एक बार एक सत्संग कलकत्ते में कर रहे थे, वो सत्संग हो रहा था एक बच्चों के उद्यान में, तो वहाँ ऐसे खिसकनी बनी हुई थी फिसलने के लिए, ऊपर चढ़ के जाओ और फिर नीचे फिसल के आ जाओ, तो हम सत्संग भी कर रहे थे, बच्चे खेल भी रहे थे, तो हमने पूछा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बोला खेल कर रहे हैं, क्या करते हैं, बोला ऊपर चढ़ के जाते हैं प्रयास करके, फिर फिसल के नीचे आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर फिसल के नीचे आते हैं। तो मैंने कहा आप जाके करो ना थोड़ा, बोला ये बच्चों का खेल है हमारा थोड़ी है, हम तो बड़े हैं, हम थोड़ी ऐसे करेंगे। तो हमने बोला यही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से स्वर्ग तक चढ़ के जाना, फिर फिसल के नीचे आना, फिर स्वर्ग जाना, फिर फिसल के, ये बच्चों का खेल है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर, ये बड़ों का तो नहीं है ना, ये तो बच्चों का हो गया ना, ये कभी ऊपर जाओ फिर वापस आओ, फिर ऊपर जाओ फिर वापस आओ, ये तो बच्चों वाली फिसलनी हो गई, बड़ा प्रयास करके ऊपर चढ़ के आओ, फिर फिसल के नीचे आओ, फिर उतना ही मेहनत करके ऊपर जाओ, फिर फिसल के नीचे आओ, तो खड़े तो वहीं के वहीं है ना। पुराना उदाहरण देते हैं, किसी की विवाह था, शादी था, और नाव में नदी के दूसरे तरफ जाना था, रात शाम को बैठे आके संध्या काल के नदी के अंदर, और नदी वाले ने तो बांस बलाना चलाना शुरू किया, और शादी वालों ने तो गाना गीत शुरू किया, और 3 घंटे 4 घंटे अभी तक आया नहीं, तभी तक थोड़ा रोशनी होने लगी, किससे पूछा भाई हमारा कोई शादी के लिए जाना था, वो हमारा बारात उतरेगी कहाँ, वो गांव आ गया, तो किसी ने बोला आप तो उसी गांव में खड़े हो जहाँ से आप चढ़े थे, बोला ऐसे कैसे यहाँ खड़े हैं, बोला ये जो खूंटे लगे हुए थे नाव बंधी हुई थी वो तो खोले ही नहीं थे, तो नाव बंधी है वो तो खोला नहीं है, सारी रात चलाते रहे, तो संसार में भोग वाला खूंटा तो खोला ही पड़ा है, ऊपर जाओ फिर आओ, जाओ आओ, खूंटा खोलेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना, तो असल में स्वर्ग से भी ऊपर आध्यात्मिक जगत में जा, इसलिए पुराने हमारे लोग कहते थे हमको वैकुंठ जाना है, भगवान वैकुंठ से विमान भेजना, कम से कम वैकुंठ का नाम तो आता था, अब तो सबको स्वर्ग की लगी है। एक लड़का दोस्तों से गया, बोला मैं जा रहा हूँ भाई मेरी शादी है, महीने के बाद आया, बोला सुनाओ भाई शादी हो गई तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होगा, बोला घर स्वर्ग हो गया लेकिन मैं स्वर्गवासी हो गया, भाई जो स्वर्ग में रहेगा वो तो स्वर्गवासी होगा। आया तो 3 अंगूठियां पहनी हुई थी, हमने बोला 3 अंगूठियां भाई क्यों पहनी है, नहीं 2 अंगूठियां पहनी, अरे दो क्यों है, बोला 2 नहीं 3 है भैया, तो भाई 2 ही दिख रही है, बोला ये देखो ये तो हमारा एंगेजमेंट का है, जब मंगनी का है, और ये शादी का है, तो ठीक है, तीसरी
बोला इसके साथ तीसरी अपने आप में उंगली में घुस जाती है, उसका नाम है सफरिंग। एक शादी की रिंग, एक मंगनी की रिंग और एक सफरिंग, वो इसके साथ मुफ्त में मिलती है। तो स्वर्ग में भी जाने वाले को वापस दुनिया में सफरिंग एक और अंगूठी पहना के नीचे भेज देते हैं कि जाओ वापस आ जाना। अब भी स्वर्ग में जाने की इच्छा है क्या किसी की? नहीं जाना स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग का इतना लुभावना वर्णन शास्त्र में है, व्यास देव को उसके गुरु नारद जी ने, इतने बड़े महान भगवान के अवतार को नारद जी ने कहा, व्यास देव आपने स्वर्ग का इतना लुभावना वर्णन किया है और इतने यज्ञ और पूजाओं का वर्णन किया है वेद शास्त्र में, इससे लोग भगवान की तरफ जाएंगे ही नहीं, इनको भोग से मुक्त करके भगवान के भक्त बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब स्वयं अपने हाथ से भागवत की रचना करो तो वो आपका अंतिम, आपकी परिपक्व अवस्था में प्रकट शास्त्र होगा और उसको जो पालन करेगा वो असल में सही रास्ते के ऊपर चल पाएगा। नहीं तो आपने इतना स्वर्ग का और कर्म कांड का वर्णन किया है कि लोग इस पूजा से जान ही छुड़ा नहीं पाएंगे और उनको कहेंगे कि केवल हरे कृष्ण जपने से सब कुछ हो जाएगा। बोला प्रभु जी इतना आसान थोड़ी है, बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है। वो नहीं करेगा इतना आसानी से, वो पूजा में खुश रहेगा। ये नारद जी ने व्यास देव को इस बात के ऊपर गुरु के नाते ताड़ना की है कि ठीक नहीं है, इसलिए आपको भागवत की रचना करनी चाहिए। अब जो श्लोक है ये है शुद्ध भक्ति का। उनको इतना प्रयास करके स्वर्ग में जाने के बाद भी वापस जाना पड़ता है, लेकिन मेरे भक्त अब ये श्लोक का पाठ कीजिए। इस श्लोक के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करके और इस श्लोक को अपने जीवन का लक्ष्य बना दीजिए। बोलिए अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा आश्वासन देने वाला श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, हे अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से का मतलब है निरंतर, अनन्य भाव का अर्थ है और अन्य किसी का नहीं, न किसी देवता का न किसी विश्वरूप का, मेरा श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो चिंतन करता है और निरंतर करता है। बोला कोई ब्राह्मण कर सकता है? स्त्री कर सकती है कि नहीं कर सकती है? क्या साधु सन्यासी कर सकता है? ये जनाह कोई भी करे। भगवान का निमंत्रण सबके लिए है। ये जनाह जिस भी जीव की इच्छा हो, कोई भी हो, ये भगवान जब बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं, क्योंकि भगवान सबके है। ये जनाह लेकिन करें क्या? परि उपासते, उपासते, अभी तक सिर्फ उपासते सुना था, अभी एक शब्द में परि उपासते आ गया। परि उपासते का अर्थ है मुझे पाने के लिए उपासना करें। प्रकर्षेण रूपेण उपासते, अच्छी तरह से उपासना करें। काय के लिए? मुझे प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए उपासना करें, मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, संसार के पाने के लिए नहीं। प्रायः हम भी पूजा करते हैं किसके लिए? भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। अरे नहीं, भगवान को पाने के लिए उपास्य के। तेषाम ऐसे नित्य अभियुक्ताना, जो निरंतर नित्य नेम से अभियुक्त मेरी सेवा में लगे हुए हैं। अरे भगवान हर समय आपकी सेवा में लगे हुए हैं,
तो उनको तो उनकी जरूरत कैसे पूरी होगी। भगवान कहते योग उसके उसको सब योगदान मैं करूंगा, उसकी सब जरूरत मैं पूरी करूंगा। क्षेमम वहामि अहम, क्षेम कहते हैं रक्षा को, वहामि अहम, वहामि शब्द संस्कृत है, उसका अर्थ है वाहन, वाहन मतलब गाड़ी जिसके ऊपर सामान ढोया जाता है। एक अर्जुन आचार्य नाम के बड़े विद्वान पंडित महाभारत के ऊपर टीका लिख रहे थे, इस श्लोक के ऊपर आए वहामी शब्द के ऊपर, उन्होंने कहा वहामी का मतलब भगवान ढोके लाते हैं भक्त के लिए। जो भक्त निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा में रत रहता है उसकी जरूरत की सारी सामग्री भगवान अपने कंधे के ऊपर ढोके लाते हैं और उसकी रक्षा के लिए स्वयं चौकीदार बन के खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन आचार्य ने कहा अरे भगवान कंधे के ऊपर उठा के वहां में नहीं, ये शब्द कहीं गलती तो नहीं हो गया है। तो अपना पेन निकाला और वहां में शब्द को काट दिया कि मैं वापस जाता हूं भिक्षा लेके आऊं तो फिर ददामी किसी के हाथ से दिला देता होगा। भगवद गीता के शब्द वहामी को पेन से काटा और फिर दोपहर का स्नान करके दो चार घरों में भिक्षा लेने का ब्राह्मण मधुकरी लेने गया, कहीं मधुकरी मिली नहीं और ब्राह्मण पांच घर से ज्यादा ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, एक दिन में मिले तो खा ले, नहीं मिले तो उपवास करे। इतनी देर में ब्राह्मण के घर में नौ वर्ष का नौजवान बच्चा सुंदर कंधे के ऊपर लकड़ी, लकड़ी में दो टोकरी, टोकरी में दूध दही चावल आटा घी चीनी भर के दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी दरवाजा खोला और देखा कि छोटा सुंदर बालक इतना सामान कंधे के ऊपर लादा हुआ नीचे रखा, बोला ब्राह्मणी पंडित जी ने ये सारी सामग्री भेजी है। वो नीचे झुका तो उसकी पीठ के ऊपर लाल निशान, किसी ने जैसे कोई डंडा मारा हो चाबुक मारा हो ऐसे देखा। ये पंडितानी कहती है बेटा तेरी पीठ के ऊपर ये किसने मारा है? बोला माँ मेरे को आने में देर हो गई, पंडित जी ने मारा है। अरे ब्राह्मण तो कोमल वचन बोलता है, किसी को कठोर वचन भी नहीं कहता है, बेटा आपको कैसे मारा? आप बैठो मैं भोजन बनाती हूँ, ब्राह्मण आते हैं पर तो उनसे पूछूंगी। माँ तो अंदर रसोई बनाने गई, ये बालक तो अदृश्य हो गया। पंडित जी ने दरवाजा खटखटाया, पंडित दान ने खोला आसन दिया और फिर भोजन परोसा, पूरी सब्जी दाल खीर पकौड़े। पंडित जी आश्रय हे भाग भरी पंडितानी भाग्यवान, आज भिक्षा मिली नहीं, घर में कुछ था नहीं, ये आपने 56 भोग भगवान को कैसे भोग लगाया? बोला स्वामी जी मैंने कहा कि आप थके हुए हैं भोजन कर लो फिर पूछूंगी, अब आपने पूछा ही है तो मैं कहता हूँ, इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतना सामान लादा क्यों और लादा क्यों और उसके बाद उसको लाठी मार दी, बेचारे के पीठ के ऊपर इतना लाल निशान था। पंडित जी हक्का बक्का रह गया, क्या किसकी बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को भेजा नहीं और मैंने किसी को मारा नहीं। पंडितानी कहा है ये आपके सामने भोजन पड़ा है, यही तो सामग्री लाया है बच्चा, वो अंदर टोकरियां भरी पड़ी है। पंडित जी का माथा खनका, पंडित जी भोजन नहीं किया और पुस्तक के ऊपर जाके देखता है कि वहां भी शब्द के ऊपर लकीर वहां है नहीं, वो ऐसे चमक रहा है शब्द कि मैंने लिखा है कि कंधे के ऊपर उठा के लाता हूँ तो पंडित तेरे घर में मैं लाया, तू मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ये तो मेरे को तुमने चोट मार दी, गीता के अंदर लकीर नहीं लगाई तुमने मेरे शरीर के ऊपर चोट मार दी। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? कई साल पहले एक अंक के अंदर दो चित्र आए थे कि भगवान योग कैसे और क्षेम कैसे करते हैं।
गुजरात के नरसिंह महते की कथा में आया था कि नरसिंह के निवासी के विवाह में रुक्मणी और भगवान द्वारकाधीश मामा बन के उसके सारे मामेरे को भरने के लिए आए। भगवान साक्षात स्वयं आके नरसिंह मेहते का सारा कार्य करके गए, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो संतों ने सुरक्षा से भगवान की कथा लिख के रखी थी, कुछ लोग उनके पुस्तक को नदी में डुबाना चाहते थे लेकिन बदमाशों को पैसे देके भेजा, लेकिन कुटिया के सामने देखें तो सांवला और गोरा बालक धनुष बाण लेके खड़े हैं। सुबह 4 बजे तक चोर ने चक्कर लगाए, आखिर सुबह हो गई, संत उठ गया, जाके प्रणाम किया चोरों ने कि महाराज हम दुष्ट हैं, लोगों ने आपकी सारी ये रचना को नदी में डुबाने के लिए कहा था, लेकिन हम चाह रहे थे पता नहीं कौन दो बालक, एक गोरा और सांवला, धनुष बाण उठा के रक्षा आपकी कर रहे थे। वो महात्मा कहता है मैं राम के गुण गा रहा था और राम बाहर लक्ष्मण के साथ खड़े होके मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो ये भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे भगवान योग क्षेम पूरा करते हैं, ये भक्तों के लिए बड़े विश्वास की बात है। प्रभुपाद जी यहाँ से जब गए तो कलकत्ता से चढ़े थे पानी के जहाज में और भारतीय 40 रुपया मुद्रा उनके पास थी। ये गए थे 65 में, वापस आए 67 में, और 67 में दिल्ली में जब उतरे तो 40 रुपये वही वापस लाए, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और ये इस्कान की स्थापना 66 में हो गई, भगवान ने सारी सामग्री की व्यवस्था की कि नहीं की? वो जो 40 रुपया ऐसे के ऐसे पड़े थे वापस लाए वो, और जब वापस लाए तो उनके साथ जो उनका शिष्य आया था उसने कहा कि मैं डॉलर चेंज कराऊं स्वामी जी? बोला नहीं, मेरे पास 40 रुपये वो पड़े हैं जो मैं ले गया था। ये उस सरदार जी ने सुन लिया, और उस वक्त के भाड़ा होना चाहिए एयरपोर्ट से छिप्पीवाड़ा का, प्रभुपाद ने कहा 30 रुपया, उसने बोला नहीं पूरा 40 लूंगा। उसने कहा संत के ये 40 रुपये जो बचे हुए हैं ये मेरा भाग जगा देंगे। वो सरदार जी ने जिद करके वो 40 रुपये लिए, उसने भी खर्चे नहीं, तब तो वो टैक्सी चलाता, फिर बड़ा ट्रांसपोर्टर हो गया, वो 40 रुपये फोटो में मड़ के रखे थे, बोला ये संत का प्रसाद है और मेरा जीवन बदल गया। तो ये कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चेतना महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि तुम गृहस्थी हो, तुम कहीं जाते नहीं हो तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? बोला मैं 3 बार कहता हूँ 1 2 3, जे भगवान ने भेज दिया तो खा लूँगा और नहीं भेज दिया तो उपवास रख लूँगा। बोला एक दिन उपवास रखोगे दूसरे दिन? बोला दूसरे दिन रख लूँगा। तीसरे दिन? बोला नहीं आया तो कहूँगा भगवान नहीं दे रहा है, गंगा जी में प्रवाह कर लूँगा। तो भगवान चेतन महाप्रभु कहते श्रीवास इतना तेरे को भगवान के ऊपर विश्वास है कि तेरा योग क्षेम पान करेगा तो हो सकता है भविष्य में कभी लक्ष्मी गरीब हो जाए, भिखारी बन जाए, लेकिन तेरे घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं आएगी। तो भगवान के भक्तों को आज तक दुनिया में कभी कोई संकट आया हो और भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की हो ऐसा उदाहरण मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भगवान की भक्ति का श्लोक है, जिसने भगवान के चरणों का शरण ले लिया उसका भगवान पालन पोषण करते हैं, उनके योग क्षेम का भार भगवान उठाते हैं। हमारी किस चीज की भगवान रक्षा करते हैं? हमारी आध्यात्मिक उन्नति की भगवान रक्षा करते हैं, पतन के रास्ते से हमको बचाते हैं, और क्या उपलब्धि कराते हैं? भक्तों का संग उपलब्धि करा देते हैं, अच्छा शास्त्र उपलब्ध करा देते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये आध्यात्मिक भगवान हमारी सहायता करते हैं इस प्रकार से। मेरे ख्याल में 5 मिनट बचे हैं इस श्लोक के बाद, अब 28 श्लोक तक देवता की पूजा और भगवान की भक्ति की तुलना की गई है और दो बातें स्पष्ट की गई है। एक तो भगवान की पूजा आसान है, बहुत सरल है,
कोई भी कर सकता है। और दूसरा, भगवान की भक्ति शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, नाश होने वाली नहीं है। और देवता की पूजा, एक तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे और उसके बाद भी क्षीण पुण्य होंगे तो मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा, तो उन दोनों की तुलना की गई है यहाँ। और इसके बाद कल पूर्णाहुति होगी, तब भगवान की भक्ति कौन कर सकता है? पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, स्त्री हो, वैश हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति करे तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आज इस श्लोक के ऊपर पूर्णाहुति करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो ये श्लोक आपको जीवन में पक्का रखना चाहिए। आपकी भगवान आवश्यकताएं पूरी करेगा, जो आपके पास है उसकी रक्षा करेगा। और सब भक्तों को जीवन में इसका अनुभव है कि भगवान कैसे सबकी रक्षा भी करते हैं और आवश्यकता भी पूरी करते हैं। हरे कृष्णा।